नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी थी। न्यूजीलैंड की टीम ने 5 मैचों की सीरीज में कुल 420 अंक प्राप्त किए और उसने 70 पॉइंट्स परसेंटेज के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। इसके बाद भारत ने भी इंग्लैंड की टीम को 3-1 से हरा कर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। अब 18 से 22 जून के बीच न्यूजीलैंड और भारतीय टीम के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पहले आईसीसी ने यह फाइनल मुकाबला लॉर्ड्स में आयोजित किया था, हालांकि अब इस मुकाबले को साउथहैम्पटन में शिफ्ट कर दिया गया है। आईसीसी भी इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर चुकी है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला फाइनल मुकाबला 18 से 22 जून के बीच साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। जून के महीने के दौरान इंग्लैंड में काफ़ी बारिश होती है। साउथहैम्पटन में भी देखा गया है कि कई मैचों में बारिश का खलल पड़ा है। ऐसे में आईसीसी ने इस बात का ध्यान रखते हुए डब्ल्यूटीसी फाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखा है। अगर 5 दिन के दौरान मैच में बारिश का खलल पड़ता है तो 90 ओवर तक के नुकसान को रिजर्व डे के रूप में रखे गए 6 दिन में पूरा किया जाएगा। हालांकि अगर 90 ओवर से ज़्यादा का नुकसान होता है तो इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अगर 5 दिन के बाद नतीजा नहीं आता है तो रिजर्व डे का सहारा लिया जाएगा। हालांकि अगर 6 दिन भी इस मुकाबले का नतीजा नहीं निकल पाता है तो ऐसे में दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता माना जाएगा। दोनों ही टीमों में कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद है, इसलिए यह मैच काफ़ी रोमांचक होने की उम्मीद है। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को इस मैच का बेसब्री से इंतज़ार है। भारत के लिए इस मैच में जहां रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे मैच विनर खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे, वहीं न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन, रॉस टेलर, ट्रेंट बोल्ट जैसे खिलाड़ी मैच पर खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मार सकती है? आपका विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।